तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीरू के प्रेडिक्शन। तो गाइस कैसे हो आप सब, उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान सुपर लीग 2023 के 11 T20 मैच के बारे में। दोस्तों मैच होने वाला है मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स के बीच में। दोस्तों अगर मैच की पूरी अपडेट है तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते चले ताकि हर वीडियो की जानकारी आपको पूरी मिलती रहे। तो अब आगे बढ़ते हैं मैच की ओर। ये मैच होने वाला है 22 फरवरी को इंडिया टाइम के अकॉर्डिंग, ये शाम के 6:30 पर यह मैच स्टार्ट होगी। यह मैच खेली जाएगी मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम मुल्तान पाकिस्तान में। अब बात करते हैं फिर दोनों टीमों का टीम फॉर्म, चेक करते हैं लास्ट 5 मैच में क्या क्या हुआ। अगर रिसेंटली अगर 5 मैच की बात करें तो यहाँ पे मुल्तान सुल्तान 3 मैच जीत के आ रही है तो वहीं 2 मैच हार के आ रही है। वहीं अगर दूसरी टीम कराची किंग्स की बात करें तो 5 मैच में से 4 मैच हार के आ रही है और 1 मैच विन करके आ रही है। तो टीम फॉर्म के अकॉर्डिंग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे मुल्तान सुल्तान आगे चल रही है। वहीं अगर बात करें दो टीमों का हेड टू हेड चेक करें लास्ट 10 मैचेज में, तो जहाँ पे मुल्तान सुल्तान 4 मैच जीत के आ रही है तो वहीं कराची किंग्स 5 मैच जीत के आ रही है। तो ये रहे दो टीमों का हेड टू हेड। अगर इसके अकॉर्डिंग बात करें हम लोग यहाँ पे, तो कराची किंग्स 1 मैच से आगे चल रही है। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, ज्यादा देर ना करते हुए दोनों टीमों का टीम कंपेरिजन करते हैं लास्ट 10 मैचेज में क्या क्या एक्सपेक्टेशन देखने को मिल सकते हैं। तो पहली कंपेरिजन विनिंग परसेंटेज की बात करें तो जहाँ पे मुल्तान सुल्तान का 70% देखने को मिल रहा है तो वहीं कराची किंग्स का 20%। एवरेज स्कोर की बात करें तो मुल्तान सुल्तान का 164 है तो वहीं कराची किंग्स का भी 164 है। हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो मुल्तान सुल्तान का 245 है तो वहीं कराची किंग्स का 197 है। लोएस्ट स्कोर की बात करें तो मुल्तान सुल्तान का 111 है तो वहीं कराची किंग्स का 135 है। अगर टीम कंपटीशन के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे भी मुल्तान सुल्तान का परफॉर्मेंस अच्छा देखने को मिल रहा है। तो ये रहे दो टीमों का टीम कंपटीशन। और तो फ्रेंड चलते हैं वेदर की ओर। आज के मैच वेदर कैसे रहेगी, तो ओवरकास्ट रहेगी, 18.9 डिग्री सेल्सियस देखने को मिल सकता है। अगर वहीं ह्यूमिडिटी की बात करें तो 72% रहेगी, वहीं 0% वर्षा होने की चांसेस रहेगी। तो ये रहे आज के मैच के वेदर की रिपोर्ट। अब आगे बढ़ते हैं चलते हैं पिच की ओर। आज का मैच इस पिच पे कैसा होने वाला है, तो इस पिच पे फर्स्ट बैटिंग का अगर एवरेज स्कोर की बात करें तो यहाँ पे 171 रन बनने की संभावना है। वहीं अगर सेकेंड इनिंग में देखें तो सेकेंड इनिंग में 144 रन लग सकती है। इस पिच पे अभी तक टोटल 4 मैच खेले गए हैं जो हर एक मैच काफ़ी ज़बरदस्त हुई है। अगर इस पिच की सरफेस की बात करें तो यहाँ पे डिफेंड करने वाली टीम को काफ़ी अच्छे सपोर्ट मिल सकती है। वहीं अगर चेसिंग करने वाली टीम की बात करें तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि डिफेंड में काफ़ी अच्छे रन स्कोर बनाए जा सकते हैं। क्योंकि इस पिच में अगर पिछले मैच की बात करें तो पिछला मैच भी डिफेंड हुआ है, तो ज़्यादातर टीम कोशिश करेगी कि टॉस जीत के बैटिंग करे। अब बात करते हैं दोनों टीमों का टीम परफॉर्मेंस चेक करते हैं। तो पहली टीम मुल्तान सुल्तान की बात करें, नो डाउट काफ़ी ज़बरदस्त टीम है। बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग लाइनअप देखें तो दोनों का कम्बिनेशन ज़बरदस्त देखने को मिल सकता है। अगर वहीं पॉइंट टेबल की बात करें तो पॉइंट टेबल में सबसे नंबर 1 पर स्टेबल है। वहीं अगर दूसरी टीम कराची किंग्स की बात करें, नो डाउट ये भी काफ़ी अच्छी टीम है, परफॉर्मेंस काफ़ी तगड़ी देखने को मिल रही है। वहीं अगर बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग लाइनअप देखें तो दोनों का कम्बिनेशन ज़बरदस्त देखने को मिल सकता है। अगर इसके पॉइंट टेबल की बात करें तो ये तीसरे नंबर पे स्टेबल है। तो दोनों टीमें स्ट्रांग है, दोनों के बीच में मैच भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकते हैं, तो आप लोग जरूर देखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं स्पेक्टेटर की विकेट बॉलर्स के फेवर में रहेंगे, वहीं बैटर्स स्ट्रगल करेंगे वेरिएबल बाउंस पे। अब चलते हैं फ्रेंड दोनों टीमों की की प्लेयर्स की बात करते हैं। तो पहली टीम मुल्तान सुल्तान के की प्लेयर की बात करें तो मोहम्मद रिजवान, शान मकसूद, डेविड मिलर, खुशदिल शाह। वहीं अगर दूसरी टीम कराची किंग्स के की प्लेयर की बात करें तो मैथ्यू वेड, जेम्स विंस, बेन कटिंग, इमाद वसीम। ये नए दो टीमों की प्लेयर जो आज के मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए फाइनली हम लोग चलते हैं विनर की ओर। देखा जाए तो स्टैटिक्स को मद्देनजर रखते हुए मुल्तान सुल्तान हमारे हिसाब से स्ट्रॉन्ग टीम है, मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रखता है। तो आप लोगों को क्या लगता है अपने व्यू को कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। और जाने से पहले दोस्तों लाइक से और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।